नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त आज के स्टूडियो में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हम CMA कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया है। आज जो हम फोकस करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है CMA इंटर कोर्स सिलेबस एंड सब्जेक्ट। CMA, जैसे कि मैंने बोला, CMA में तीन स्टेजेस से हमें जाना पड़ता है। अगर हमें CMA कोर्स कंप्लीट करना है, अगर हम 10th के बाद 12th के बाद कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमें तीन स्टेजेस के बाद हमें CMA का डिग्री मिलेगा। अगर हम डिग्री के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अगर CMA कर रहे हैं, तो हमें दो स्टेजेस के बाद हमें CMA का डिग्री मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो लोग और जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के लिए डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। और जो लोग अपना CMA का इंटर कंप्लीट करके 10th के बाद 12th के बाद जो इंटर में आना चाहते हैं, उन दोनों के लिए क्या है सिलेबस, क्या है सब्जेक्ट्स, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हमें CMA इंटर में एडमिशन लेना है, अगर हमने CMA इंटर में एडमिशन लिया है, तो क्या है कोर्सेस, क्या है कोर्स सिलेबस और क्या है सब्जेक्ट्स, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है एकेडमिक इंसाइट्स, आप सभी दोस्तों को मेरी दरख्वास्त है कि आप ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पर जो आपको बेल आइकॉन दिखेगा, उसको भी प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने आप मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपके दिमाग में जो भी सिलेबस के बारे में और सब्जेक्ट्स के बारे में, इंटरमीडिएट कोर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस हैं, उसके बारे में जो भी सवाल हैं, वो और उस सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए आज का इस वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोज़ हमेशा मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं CMA इंटरमीडिएट सिलेबस और सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, CMA कोर्स में तीन स्टेजेस हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। जो लोग फाउंडेशन क्लियर करके इंटरमीडिएट में आते हैं, उनके लिए ये सिलेबस है, और जो लोग डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए भी यही सिलेबस है। तो आज हम बात करेंगे CMA इंटरमीडिएट सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं ये वीडियो बिना टाइम गवाए। तो देखते हैं, अगर ये इंटरमीडिएट कोर्स के लिए एडमिशन लेना है, तो क्या है सब्जेक्ट्स। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे आपको एक बात ज़रूर बोलना है, CMA इंटरमीडिएट कोर्स में दो ग्रुप्स होते हैं, और दो ग्रुप्स में कुल मिला के 8 सब्जेक्ट्स हमें होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे ग्रुप वन की। ग्रुप वन में पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा स्टडी इस पहले सब्जेक्ट में करेंगे, जो ग्रुप वन में आता है। दूसरा सब्जेक्ट आता है जो ग्रुप वन में आएगा, है लॉ एंड एथिक्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे मर्केंटाइल लॉज और एथिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको पढ़ाया जाएगा, और ये है आपका दूसरा सब्जेक्ट, जिसका नाम है लॉज एंड एथिक्स। तीसरा सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्सेशन, जो भी इंडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट है, इसमें पूरा का पूरा इंक्लूड किया हुआ है, और ये है आपका तीसरा सब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट की अगर हम बारे में बात करेंगे, तो ये है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपका चौथा सब्जेक्ट है ग्रुप वन का। तो ये चार सब्जेक्ट आपको ग्रुप वन में पढ़ने हैं, उसके बाद आपका ग्रुप टू आएगा, और ग्रुप टू में जो सब्जेक्ट्स हैं, वो पहला है ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट रिलेटेड पार्ट है, जो आपको टू में पहले सब्जेक्ट में पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो अकाउंटिंग का और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है। तीसरा सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जो आपको यहाँ पे ग्रुप टू में पढ़ना है। और चौथा सब्जेक्ट है जो ग्रुप टू में आपको पढ़ना है, उसका नाम है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। कंपनी अकाउंट्स, जैसे कि हम बोलते हैं, कंपनी अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, और ऑडिट का भी पार्ट यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये हैं चार सब्जेक्ट्स
इन ईच ग्रुप, तो दो ग्रुप हैं आपको, दो ग्रुप में कुल मिला के 8 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने हैं, और ये 8 सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद, दो ग्रुप क्लियर करने के बाद आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर सकते हो। तो ये है आपका CMA इंटरमीडिएट का सिलेबस और सब्जेक्ट्स जो हमने ब्रीफ में देखा है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जाते जाते अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में ये वीडियो आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और जाते जाते मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स लिख रहा है वहाँ पे अपना कमेंट, वैल्यूएबल फीडबैक लिखना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियोस हम और भी बेहतरीन तरीके से बना सके। तो आज के लिए इतना ही, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कुछ अलग और नई बात, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।